आगरा में त्योहारों के नए सीजन का आगाज होते ही अपने मेहमानों का इस क्रिसमस और नए साल पर स्वागत करने के लिए आगरा में होटल भावना क्लब के नंबर केक मिसिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। शुभारंभ विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बलबीर सिंह, डॉक्टर रणवीर सिंह, डॉक्टर नकुल आदि ने किया। सबसे पहले होटल के सेब अजीत सिंह ने अपनी टीम के साथ मिक्सिंग में मिलने वाली सामग्री का परिचय कराया। होटल के जनरल मैनेजर गजेंद्र सिंह ने बताया कि सेरेमनी में प्लम केक बनाने में उपयुक्त ड्राई फ्रूट मसाले और हाई क्वालिटी वाइन में लिया गया, जो फर्मेंटेशन के बाद केक बनाने में प्रयोग किया जाएगा। इस प्रक्रिया में लगभग 20 दिन का समय लगता है। उसके बाद यकीन मेहमानों को आने वाले क्रिसमस और न्यू ईयर पर परोसा जाएगा। इस अवसर पर होटल के सेल्स मैनेजर सैफ अली ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गजेंद्र सिंह, जनरल मैनेजर होटल भावना क्लब से आ गया। हाँ गजेंद्र जी, आज किस तरह की केक सेरेमनी मनाई जा रही है? आज ये केक मिक्सिंग सेरेमनी होती है। जैसे हम लोगों के यहाँ दीपावली के आसपास एक पर्व का शुभारंभ होता है, उसी तरह क्रिसमस क्रिश्चियंस के लिए एक महीने का क्रिश्चियन सीजन का किक ऑफ होता है। इसमें हम लोग ये केक मिक्सिंग सेरेमनी 17वीं शताब्दी से चल रही है। इसमें हम लोग सारी चीज़ों को फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स हो गए, वाइन हो गए, और प्लस बैटर के साथ में इसका एक फर्मेंटेशन किया जाता है, और एक साल एक महीने के लिए ये फर्मेंटेशन प्रॉपर चलता है। और तो इसमें ये होता है कि ये फर्मेंट होने के बाद जो 25th को जो केक सर्व होता है, जो प्लम केक जो बनता है, ये प्लम केक की प्रिपरेशन की तैयारी हुई है। ये सेम केक हम अपने गेस्टों को 25th और 1st दिसंबर को, फर्स्ट जनवरी को सर्व होगा। क्या क्या इसमें मिलाया जाता है? इसमें आपकी वेरियस काइंड ऑफ ब्रांडी, वाइन्स, लिकर्स, रम, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स में आपके कॉलमंड, नट, नट्स, डाट्स, सारी चीज़ें जितनी भी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सब। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।